हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में एक और नए वीडियो में। गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट 2 है। ये पहले प्रोजेक्ट के अंदर हमने देखा था आपका कैलकुलेटर का डिजाइन, अगर वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाए देखें। एंड इस वाले पार्ट के अंदर हम सीखेंगे आपका स्टॉप वॉच कैसे बनाते हैं एक जावास्क्रिप्ट की हेल्प से यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत ऑसम वीडियो होने वाली है। बहुत मिनिमम कोड में मैंने इन चीजों को करने की कोशिश करी है। एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको बैकग्राउंड में इमेज देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे बैकग्राउंड में इमेज है, देन टाइटल है आपके पास में यहाँ पे। ओके, एंड इसके बाद में यहाँ पे आपके काउंटेबल जो नंबर इट मीन की डिजिट जो आएंगे ना, वो यहीं पे शो होने वाली है। इसमें से पहली जो डिजिट है वो आपके सेकेंड्स होगी, देन इसके बाद में यहाँ पे आपका ये मिली सेकेंड्स के लिए हमने इसको होल्ड करा है। एंड यहाँ पे आपके पास में तीन बटन मिलेंगे आपको। ओके, तीन बटन रखे मैंने, एक स्टार्ट है, एक स्टॉप है, एक यहाँ पे रीसेट है। ये कैसे काम करता है देखिए, अगर जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं स्टार्ट पे, तो स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपका ये नंबर चेंज हो रहा है। ओके, इट मींस कि इंक्रीमेंट हो रहा है। एंड जैसे ही मैं कर दूं स्टॉप, स्टॉप करने के बाद आप देखेंगे 5 सेकेंड 63 मिली सेकेंड यहाँ पे आपको ये शो केस कर भी रहा है, इट मीन्स कि नंबर आपको दिख भी रहा है। एंड यहाँ पे रीसेट का आपके पास में ऑप्शन मिलता है कि रीसेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये रीसेट हो जाएगा। ओके, तो ये है पूरा का पूरा आपका रीसेट करने का, इट मीन्स कि आपका स्टॉप वॉच वर्क कैसे कर रही है। अगर मैं आपको एक बार और दिखाऊं तो देखिए स्टार्ट, ओके, स्टॉप एंड देन इसके बाद में यहाँ पे रीसेट। सिंपल, ये तीन मैंने यहाँ पे बटन रखे हैं, तीन मेथड्स के कैसे आपने वर्क करता है ये देखेंगे पूरी डिटेल में। उससे पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने अभी जस्ट जावास्क्रिप्ट की बेसिक सीरीज कंप्लीट करी है, जिसके अंदर 87 वीडियोस हैं। गाइज, आपको ये वीडियोस कैसे देखने को मिलेंगी, ये प्लेलिस्ट के यहाँ पे है। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल इन हिंदी ये आपको देखनी है अगर आपको बेसिक सीखना है तो, और एडवांस की सीरीज अभी कंटिन्यू चल रही है। ओके, एंड यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो, बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप 5 एंड उसके प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं वीडियो सारी की सारी, जाए एंजॉय करें और बहुत कुछ हेल्प होने वाली है। एंड उसके बाद अगर आपको लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्ट को कर लेते हैं सेटअप। तो सेटअप के लिए आपको पता है कि मैं वीएस कोड का आपका जब भी सेटअप करता हूं तो आपका लाइव सर्वर एक्सटेंशन यूज करता हूं, जिसकी वजह से बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत ना पड़े। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने वीएस कोड के अंदर। तो यहाँ पे आप देखिए फोल्डर स्ट्रक्चर रहने कैसे वाला है। एक मेन फोल्डर होगा आपका, उसके अंदर एक इमेजेस करके रखेंगे हम, एक इमेज है, जो ये इमेज भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इसका। एंड देन इसके बाद है आपका index.html, main.js, style.css, ठीक है, तीन फाइल होने वाली है हमारी बेसिकली यहाँ पे। एंड इसके बाद में यहाँ पे HTML के अंदर आप देखेंगे तो हमारा ये हेड्स पार्ट है, हमारा कुछ नहीं है इसके अंदर। एंड यहाँ पे CSS को लिंक करवा रखा है, बॉडी आपकी एम्प्टी है। एंड बॉटम में हमने क्या करा है, आपका main.js को यहाँ पे कॉल करवा रखा है, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे हैं कि ये सारी फाइल्स कैसे चल रही है। इसके बाद है आपका CSS, CSS के अंदर हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स मैंने पॉपिंस को यूज कर रखा है, जिसका सीडन लिंक लगाया यहाँ पे। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे हैशेस साइन पे मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइज इन बॉर्डर बॉक्स। एंड फिर उसके बाद में कुछ वेरिएबल्स बना रखे हैं, और वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में आपको बता रखा है। तो यहाँ पे आपको रखना है कॉलन का साइन, रूट, एंड देन जो भी वेरिएबल का नाम देना है वो, और जो भी उस CSS की प्रॉपर्टी को होल्ड करना है वो यहाँ पे आप रखेंगे। देखिए आपको दिख रहा है, तो ये कुछ यहाँ पे बेसिक थिंग्स को मैंने रखा हुआ है। एंड इसके बाद है आपकी main.js जो कि एम्प्टी पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइल का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद में यहाँ पे करते हैं सबसे पहले डिजाइन, और डिजाइन कैसे करना है यहाँ पे HTML से स्टार्ट। एंड गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें अपना वैल्यूबल। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने डिव के साथ में। एंड मैं यहाँ पे लूंगा रैपर। ओके, ये देखिए मैंने रैपर ले लिया। एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ H1। H1 पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टॉप वॉच, ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी इतनी सी। इसके बाद यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये चीज आ गई यहाँ पे। अब यहाँ चलेंगे इसके बाद में वापस अपने एडिटर पे, थोड़ा सा अप कर लेंगे। एंड मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं लूंगा एक पी, ठीक है। इस पी की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं थी, तब भी मैं इसको रैप करने के लिए एक पी ले ले रहा हूँ। एंड इसके अंदर लूंगा मैं एक स्पैन, एक आईडी हो जाएगी, आईडी मेरी यहाँ पे होगी सेकंड्स, जो कि मेरे सेकंड्स थे ना वो यहाँ पे शोकेस करने मेरे को। और यहाँ पे मैं ले लूंगा 00, पहले मेरा यहाँ पे रहेगा बाय डिफॉल्ट 00। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, कॉलन का साइन लूंगा, एंड देन अगेन यहाँ पे स्पैन ले रहा हूँ मैं एक, ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पे एक आईडी आएगी, और उस आईडी को दे देता हूँ टेंस करके, ओके, जो मिली सेकेंड्स के लिए हम होल्ड कर रहे हैं वो। एंड ये चीज हो गई हमारी दोनों स्पैन्स के लिए, और उसके बीच में कॉलम। इतनी चीज को करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलूंगा, यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए, ओके, ये चीज आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है। इसके बाद यहाँ चलेंगे वापस, वापस आने के बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, बटन लेना है। तो बटन के लिए कॉमन क्लास बना लेंगे हम,
तो मैं नाम ही कॉमन दे देता हूँ लीजिए, ठीक है, मैं यहाँ पे बटन का नाम ही कॉमन दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन है वो मेरा। इसके बाद हर किसी को एक इंडिपेंडेंट आईडी देनी होगी हमें, जिससे कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर उसे यूज कर सके। ओके, तो देखिए ये चीज मैंने यहां पे रखा। इसके बाद मैं करूंगा इसको कॉपी, करूंगा पेस्ट, पेस्ट करा मैंने। एंड पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले यहां पे चेंज होगा आपका, स्टॉप हो जाएगा ये। एंड टेक्स्ट भी आपको क्या करना होगा, स्टॉप, ठीक है। एंड देन इसके बाद में रीसेट, रीसेट के बाद में आप यहां पे क्या करेंगे, आपका बटन का नाम हो जाएगा रीसेट, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद करेंगे सेव। एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे, यहां आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये चीज दिख रही है आपको यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे इट मींस कि कंटेंट आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे करना है डिजाइन सीएसएस के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि सीएसएस में कैसा दिखने वाला है। तो हम चलेंगे अब अपनी यहाँ पे स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर। एंड यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले बॉडी लेंगे। ओके, एंड बॉडी में हम क्या करेंगे, फॉन्ट फैमिली लेंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट फैमिली हमें कॉल करवानी है ना, तो देखिए किस तरीके से हम वेरिएबल को कॉल करवाते हैं। ये तो हो गया डिफाइन करने का तरीका, ये है कॉल कराने का तरीका। वैर लेना है, पैराथेंटिस लेना है, देन वेरिएबल का नाम डाल देना है सिंपल सा। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेज, यूआरएल, ठीक है। यूआरएल में यहाँ पे इमेजेस, इमेजेस के अंदर बीजी, ठीक है, ये मेरे पास में इमेज है। अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड, देखिए बैकग्राउंड पोजिशन, एंड पोजिशन के बाद में सेंटर, सेंटर, ओके, ये चीज हो गया। एंड देन इसके बाद है बैकग्राउंड, यहाँ पे रिपीट में आपका नो रिपीट आ जाएगा, ये हमने यहाँ पे कवर करा। एंड इसके बाद सिंपल, ये सारी प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, ठीक है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। बस जस्ट इसको ज्यादा डिजाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ये कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम किस चीज को कैसे करेंगे और कैसे हैंडल करना है हमें। ओके, एंड 100 VH लेंगे यहाँ पे। एंड डिस्प्ले, एंड डिस्प्ले फ्लैक्स लेंगे, ठीक है। अलाइन सेंटर लेंगे, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे। जैसे इतनी चीज करने के बाद यहां चलेंगे यहाँ पे ब्राउजर पे। एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपकी इमेज आ चुकी है एंड सारा कंटेंट आपका यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। ओके, ये आपको विजिबल हो रहा है, तो इट मींस कि आपकी इमेज प्लस कंटेंट सारा सेंटर में है। इसके बाद यहाँ चलना है वापस, यहाँ आना है आपको, यहाँ पे आपको लेना है रैपर। एक विड्थ दे देंगे, सर्टेन विड्थ होनी चाहिए, 800 पिक्सल कर देता हूँ मैं। एंड मार्जिन ऑटो रखता हूँ जिससे सेंटर में बना रहे। एंड कलर चाहिए मेरे को यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, व्हाइट कलर का वेरिएबल मैंने ऊपर बना रखा है वो यहाँ पे पिक करके हम रखेंगे इसको। एंड टेक्स्ट लाइन सेंटर रखेंगे, करूंगा मैं सेव। ये क्लास कहाँ पे है, ये क्लास है आपकी ये रही, इसके लिए, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए ये आपको विजिबल हो रहा है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, ये H1 है हमारे पास में, ठीक है। इस H1 को हम डायरेक्ट लेंगे, मैंने H1 लिखा, ओके, H1, ठीक है, ये H1 लिखा हमने यहाँ पे। एंड अब क्या करेंगे, हम फॉन्ट वेट लेंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। एंड देन इसके बाद में फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज होगा आपका 5 REM कर देंगे, या तो EM कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, 5 EM ले लेते हैं। एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में अपर केस करते हैं, ठीक है, ये देखिए ये चीज लिया, करेंगे हम सेव। एंड सेव करने के बाद में इसके लिए कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज के लिए। यहाँ पे चलेंगे वापस, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है, इट मींस कि आपका स्टॉप वॉच आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे ग्रुप, ग्रुप देखिए क्या क्या करेंगे, हम करेंगे इसको एंड इसको, इट मींस कि दोनों आईडी को, एंड यहाँ पे पी, इट मींस कि तीनों को ले लेंगे हम। तो यहाँ पे करना कैसे है, उन तीनों को एक साथ देखिए, सबसे पहले आपको चलना है सेकंड्स लेना है, कॉमा लगाना है, ठीक है। देन इसके बाद आना है, इसके बाद टेंस लेना है, कॉमा लगाना है, एंड पी ले लेना है लास्ट में, सिंपल। तो ये हो गया आपका ग्रुपिंग, कि कैसे ग्रुपिंग करते हैं। 3 AM लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, ये हमने डिफाइन करा। इसके बाद में डिस्प्ले फ्लैक्स लगाएंगे हम यहाँ पे, फ्लैक्स हो गया आपका यहाँ पे, ये देखिए फ्लैक्स। एंड फ्लैक्स के बाद में होगा आपका अलाइन आइटम सेंटर, ओके, एंड जस्टिफाई कंटेंट, ये देखिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो जाएगा ये। और ये किसके लिए, ये इस वाली लाइन के लिए है हमारा, जो कि हमने यहाँ पे रखा है। करेंगे, चलेंगे यहाँ पे ब्राउजर पे। एंड ब्राउजर पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए ये आपको विजिबल हो रहा है, इट मींस कि ये भी आपका बड़ा हो गया है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से चीजें बन रही हैं। अब इसके बाद में चलते हैं हमारे यहाँ पे कॉमन बटन पे, ये जो बटन है ना आपका, ये कॉमन रहने वाला है, ठीक है। तो इसको मैं करूंगा यहाँ से कॉपी। एंड यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद मैं करूंगा पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले बॉर्डर रेडियस, ओके, 5 पिक्सल का रख लेते हैं, ओके। एंड बैकग्राउंड जो बाय डिफॉल्ट मिलता है हमें, वो नहीं चाहिए हमें, तो मैं क्या कर दूंगा, ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। ये चीज तो पहले हमने कवर कर ली। एंड देन इसके बाद में कलर क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो कलर के लिए हमारे पास में व्हाइट वेरिएबल है, इसको रखेंगे। बॉर्डर है हमारा,
बॉर्डर में हम क्या करेंगे, सॉलिड, देखिए सबसे पहले 1 पिक्सल कर लेते हैं, देन सॉलिड कर लेते हैं एंड वेयर को कॉल करा लेते हैं, ये डबल नहीं चाहिए हमें, व्हाइट कलर, ठीक है, ये चीज भी हमने यहां पे कॉल करवा ली। इसके बाद में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे, ओके, एंड यहां पे कर्सर पॉइंटर, ओके, एंड देन इसके बाद है यहां पे फॉन्ट साइज 1.2 em, ओके, एंड यहां पैडिंग, पैडिंग के बाद में हम करेंगे 18 पिक्सल का एंड 10 पिक्सल का, ओके, ये em, rem, ये सारी चीजें मैंने अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर ऑलरेडी बता रखी हैं। वन आपका em हो या rem हो, वो आपका 16 पिक्सल से काउंट होता है, ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी मैं इस चीजों को यूज कर ले रहा हूँ क्योंकि अभी ये छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, अभी मेन फोकस है हमारा जावास्क्रिप्ट कवर करने का, ठीक है। अभी जब हम डिजाइन वाले काम में करते हैं तो हम वहां पे em और rem का ही ज्यादा यूज करते हैं, पिक्सल्स को अवॉइड करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पे विड्थ, विड्थ के बाद है 180 पिक्सल का, ओके, एंड मार्जिन है हमारा यहाँ पे मार्जिन, मार्जिन में हम 10 पिक्सल दे देंगे, ये चीज हमने दे दी, एंड देन इसके बाद है हमारा आउटलाइन को नन कर देंगे। इतनी चीज को करेंगे हम सेव, एंड सेव करने के बाद में ये हो गया हमारा इसके लिए, एंड देन इसके बाद में ये सारे बटन्स, इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ आने के बाद देखेंगे तो देखिए स्टार्ट स्टॉप एंड देन यहाँ पे रीसेट, ठीक है, ये सारे के सारे बटन हो गए। अब इसके बाद में इसका होवर इफेक्ट भी लिखना है आपको, ठीक है। तो डिजाइन इट मींस कि ऑलमोस्ट डन है, कि इसमें ज्यादा कुछ करने को है नहीं डिजाइन से रिलेटेड, ठीक है। तो हम यहाँ पे होवर बनाएंगे, ठीक है, कॉमन लिख रहा हूं मैं अगेन, एंड देन यहाँ पे ये देखिए कितने मिनिमम कोड्स में आप कवर कर सकते हैं चीजों को, वो आपके हाथ में है। ये देखिए यहां पे हम ट्रांजिशन लेंगे 0.5s लगाएंगे, इजी इन आउट कर देंगे, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के बाद में आपको क्या करना होगा, यहां पे आपको लेना है वेयर, वेयर के बाद में आप ब्लू, ब्लू कलर होगा आपका, ओके, बॉर्डर, बॉर्डर में आपको क्या करना है 1 पिक्सल, सॉलिड एंड वेयर, ठीक है। ये देखिए यहां पे ब्लू कलर के लिए, क्योंकि उसका बॉर्डर भी हम चेंज करना चाहते हैं, एंड जो टेक्स्ट होगा ना वो टेक्स्ट हो जाएगा यहां पे इस केस में आपका व्हाइट, ये देखिए इतनी चीज, और ये चीज हमने किसके लिए, बटन के लिए करी, ओके। अब इसके बाद चलेंगे हम यहां पे, यहां पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए होवर करने पे, ठीक है, आपको विजिबल हो रहा है, इट मींस कि ये बन चुका है हमारा, ये हमने यहां पे ये बना लिया हमने, ठीक है, बटन बना लिए, इट मींस कि ये बन गया। अब इसके बाद में अब क्या, अब हमें करना है आपका जावास्क्रिप्ट का काम, ये आपके बटन्स के लिए जो आईडी दी थी इन पे हमें जेएस के अंदर काम करना है, जो है हमारी ये वाली फाइल, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हमें सबसे पहले करना है आपको विंडो डॉट ऑन लोड पे हम बनाएंगे इस चीज को, फंक्शन को, ठीक है। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, ऑन लोड पे जैसे ही हमारे क्या ये पेज लोड होता है ना, उसी टाइम पे ये हमारा फंक्शन वर्क करने लगेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम वेयर लेंगे, सेकंड्स लूंगा मैं पहले, सेकंड्स बाय डिफॉल्ट क्या करूंगा मैं 0.0 डिफाइन कर दूंगा, ठीक है, इट मींस कि 0.0 रहेंगे पहले वो, और टेंस भी हमारा क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट हमारा 0.0 रहना चाहिए, ये दो चीज मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डिफाइन कर दी। इसके बाद में मैं वेयर लूंगा एंड देन अपेंड टेंस। अब मेरे को यहाँ पे जो अपेंड करना है ना, वो वाली आईडी कौन सी है, वो वाली आईडी है आपकी यहाँ पे दिख रही होगी ये वाली, ठीक है, इसको मैं करूंगा कॉपी एंड यहां लेके आएंगे, यहाँ डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसके अंदर हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। अब इसके बाद में वेयर लेना है आपको, अपेंड लेना है आपको, सेकंड्स एंड सेकंड्स के बाद में आपको अब क्या करना है, सेकंड लेना है, ठीक है, जहां पे सेकंड्स आएंगे आपके, ये है हमारा, इसको मैं करूंगा कॉपी एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये चीज हमने यहां पे डिफाइन करी एंड यहां पे इसको भी स्टोर करवा लिया। इसके बाद में बटन भी चाहिए हमें सारे, तो हम क्या करेंगे, बटन स्टार्ट करके, इट मीन्स कि बटन स्टार्ट करके जो भी है उसको हम करेंगे यहां से कॉपी, इसको करूंगा मैं कॉपी, यहां चलेंगे, यहां पे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहां पे करा मैंने पेस्ट, ठीक है, एंड देन इसके बाद में अगेन बटन, अब बटन क्या होगा, स्टॉप करने के लिए हमारा यहां पे, तो स्टॉप वाली आईडी चाहिए हमें, यहां से मैं करूंगा इसको कॉपी एंड यहां आ जाएंगे, यहां आने के बाद में डॉक्यूमेंट गेट, ठीक है, ये देखिए ओके ये चीज हो गई एंड देन इसको भी स्टोर करवा लिया। वायर लेंगे, बटन, बटन होगा हमारा, अब ये किस चीज के लिए, ये रीसेट के लिए होगा हमारा, ओके, और रीसेट वाली आईडी चाहिए होगी हमें, तो ये है बटन की रीसेट वाली आईडी, इसको करेंगे कॉपी एंड देन इसके बाद में डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये देखिए कितना ईजी है चीजों को, कि हमने पहले से स्टोर करवा लिया। अब देखिएगा इसका यूज क्यों है, क्यों स्टोर करवा रहा हूं मैं, और एक करवा लेंगे यहां पे,
इंटरवल करके, ठीक है इसको। अब ये क्यों करवाए ये अभी आगे चल के आप देखेंगे। ये सारे के सारे हमने वेरिएबल्स यहां पे बना लिए, ठीक है। अब इसके बाद में वन बाय वन करके हमें यहां पे चीजें करनी होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पे मैं एक फंक्शन लिखता हूं, स्टार्ट टाइमर, ठीक है। ये मेरा क्या है कि टाइमर स्टार्ट करने के लिए है, ठीक है। अब मैं लूंगा यहां पे टेंस, और टेंस मेरा यहां पे इंक्रीमेंट होना चाहिए, ओके। ये हमने पहले बता दिया क्योंकि वहां पे जीरो रखा हुआ है हमने। अब क्या करूंगा मैं, एक इफ केस बनाऊंगा मैं यहां पे। यहां पे मैं देखूंगा पहले टेंस अगर लेस देन इज इक्वल टू 9 से, ओके छोटा है यहां पे, अगर ये छोटा है तो क्या करना चाहिए आपका, अपेंड टेंस करके जो है ना हमारा ये वेरिएबल, ठीक है, इसमें इनर एचटीएमएल आ जाना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको अप कर देते हैं इनर एचटीएमएल, और इनर एचटीएमएल में आपका 0 प्लस जो भी आपको ऊपर जो भी टेंस आ रहा है ना ये होना चाहिए, ओके। इतनी चीज पे मैं क्या करने के बाद आपको कंसोल दिखाऊंगा, एंड देन कंसोल, एंड कंसोल में आपका टेंस प्लस मैं 1 लिख देता हूं, ये देखिए, ओके। सो ये होगा आपका, ये आपका 1 होगा, ओके। ये पहला सिनारियो बना आपका। अब इस पहले सिनारियो को टेस्ट करने के लिए हमें अब क्या चाहिए होगा, हमें ये चीज तो हमने बना ली, ठीक है। अब इस पहले सिनारियो को टेस्ट करने के लिए अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि लाइक कि हम इसको क्लिक करके परफॉर्म कर सके, ओके। तो कैसे, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसके बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद में हमारे पास में बटन है, ठीक है, स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन, ओके। इस पे ऑन क्लिक करेंगे हम, ऑन क्लिक का फंक्शन बनाया, एंड यहां पे फंक्शन बना दिया हमने, ये देखिए ये चीज हमने करा। इसके बाद में हमारे पास में क्या था, इंटरवल था, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेट इंटरवल करके एक फंक्शन, नहीं अब क्या करना है हमें, ये जो फंक्शन हमने बनाया था ना इसको लेंगे, इसको करेंगे यहां पे कॉमा, एंड हर 10 मिली सेकेंड के अंदर ये हिट हो जाना चाहिए फंक्शन, सिंपल। किस पे, ऑन क्लिक पे, ये जो बटन है ना आपका इस पे, और ये बटन आपका कहां पे, ये बटन है ये रहा, ओके। इस बटन पे हम ये चीज करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम इसको करते हैं सेव, एंड चलते हैं यहां पे, एंड यहां पे कंसोल को ऑन कर लेते हैं, दिस इज कंसोल, ओके ये कंसोल है। यहां मैं करता हूं हिट, हिट करने के बाद आपने देखा कि हमारा यहां पे फंक्शन वर्क कर रहा है। अब मैंने 1 आपका इसलिए लगाया कि हमें वहां पे कंडीशंस बनानी है, ठीक है, कंडीशंस भी बनानी है, ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है हमें कि जब जैसे ही हम हिट करें, हमारा 9 तक हिट हो गया। अब हिट के बाद में 9 के बाद में भी तो ऊपर हमारी सीरीज होगी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होगी। तो अब क्या करेंगे उसके बाद में, तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां चलेंगे वापस, ओके। यहां पे आने के बाद में मैं इसको करूंगा कॉपी एंड पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में कुछ नहीं करना है, जैसे ही टेंस हमारा ग्रेटर देन 9 होगा, ओके समझिएगा। अब यहां पे ग्रेटर देन की बात आ गई, तो वैसे ही हमारी वैल्यू आपकी बढ़ेगी, टेंस की बढ़ेगी, एंड इसके बाद में ये देखिए ऐसे चलेगा। इसको मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे, एंड यहां आने के बाद देखेंगे, एंड ये है हमारे बटन्स, ओके एम्प्टी है अभी, क्लिक, एंड क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये आपका कंटिन्यूसली अब चल रहा है आपका, इट मींस कि नॉन स्टॉप चलेगा ये आपका। बट अब आपको दिख रहा होगा नॉन स्टॉप चल रहा है, ये हमारा जंप तो कर ही नहीं रहा, इट मींस कि सेकंड्स में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा वो हमारा। अब सेकंड्स में कन्वर्ट होगा कैसे, ये सबसे बड़ा इशू है, ठीक है। तो ये चीज आपको दिख रही है। अब इसके बाद चलेंगे हम यहां पे, यहां पे आने के बाद में अब आपको करना क्या होगा, मैं एक बार और इसे पेस्ट करूंगा। अब यहां पे सेम कंडीशन बनाएंगे, ग्रेटर देन अगर 99 है वो, ठीक है, अगर ग्रेटर देन 99 है वो, तो यहां पे आपको करना क्या होगा, ओके। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, सबसे पहले आपका, अब यहां पे हमारा सेकंड्स वाला काम आएगा, तो मैं यहां पे इसको हटा देता हूं अभी, ये नहीं चाहिए अभी, एंड ये हो जाएगा हमारा थर्ड, ठीक है थर्ड, एंड यहां चलेंगे। सबसे पहले हमारा सेकंड्स, सेकंड्स प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हमने सबसे पहले कर दिया कि जो हमारा सेकंड्स एम्प्टी था ना ऊपर, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पे हमारा क्या था, ये 0 है, ये 0 है, बट हमने इसको इंक्रीमेंट करवा दिया प्लस 1, ओके। और सेम चीज हम यहां पे करवा रहे हैं। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, हम अपेंड हमें क्या करना है आपका, सेकंड्स वाले में करना है इनर एचटीएमएल, ठीक है। इनर एचटीएमएल के अंदर वही सेम सिनारियो जैसे अभी टेंस के लिए करा, प्लस, एंड प्लस के बाद में जो भी सेकंड्स आएगा वो, इट मींस कि इंक्रीमेंट करने के बाद में, और जो टेंस था ना हमारा उस टाइम पे वो 0 हो जाना चाहिए। तो 0 हो जाएगा तो वो क्या करेगा, दोबारा अपने आप को स्टार्ट कर लेगा, इट मींस जैसे ही वो आपका खत्म होगा ना
100 के बाद में, तो अपने आपको जीरो से स्टार्ट कर लेगा। और उस सिनारियों में फिर क्या होगा, दोबारा आपको अपेंड करना पड़ेगा टेंस के अंदर इनर एचटीएमएल, ठीक है। और वहां पे आप क्या करेंगे, वहां लिखेंगे आप जीरो, ठीक है, और प्लस का साइन देंगे आप एंड देन जीरो कर देंगे। डायरेक्ट जीरो लिख रहा हूं मैं यहां पे स्टैटिक, क्यों, क्योंकि मेरे को वहां पे जीरो से स्टार्ट करवाना है इस वाले सिनारियों में 100 पहुंचने के बाद में। यहां करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो यहां आ गए हम, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ठीक है, ये तीनों बटन है, अभी तीन में से एक स्टार्ट पे हम काम कर रहे हैं। मैं जैसे करूंगा क्लिक, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अब आपका वो शिफ्ट कर रहा है, जैसे 100 पे टच हो रहा है ना, वो आपका सेकंड्स की तरफ शिफ्ट कर रहा है। देखिए 7 पे गया, 8 पे गया, और इसीलिए मैंने कंसोल भी लगा रखा है कि जिससे कि आपको दिखे वो, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी आपका ये रुकेगा नहीं अब, क्योंकि हमारे फंक्शंस नहीं बने। अब क्या करेंगे, हम वापस आएंगे, वापस आने के बाद में अब क्या करना होगा हमें, हम यहां पर करेंगे आपका एक और काम, हम करेंगे इसको कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद करेंगे यहां पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में जैसी सेकंड्स, ओके, 9 से, इट मींस कि सेकंड्स आपका 9 से बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ के लिए कर रहा हूं मैं, ये देखें, तो ये आपका कंसोल लगाया मैंने, एंड यहां पे आपका क्या कर देंगे हम, सेकंड्स को लेके आएंगे हम अपेंड सेकंड्स के अंदर, आपका क्या आना चाहिए यहां पे, सेकंड्स हो जाना चाहिए सिंपल। इतनी चीज को भी हमने मेंशन करा, क्योंकि अभी आपने देखा था कि आपका सेकंड्स में भी दोनों नंबर नहीं बढ़ रहे थे, एक नंबर बढ़ रहा था। अब क्या करेंगे हम, जैसे ही क्लिक करेंगे स्टार्ट पे, तो स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए 100 पे आया, 2 पे पहुंच रहा है। अब 2 के बाद पहुंचने के बाद अब यहां देखना है कि हमारी डबल डिजिट होने के बाद में ये हमारा जो जीरो है वो वर्क करेगा। देखिए इट मीन्स कि कर गया अभी, इससे पहले वाले में नहीं कर रहा था, यहां पर आपको विजिबल हो रहा था और यहां पर ये चीज दिख रही थी और ये दिख रहा था आपको कि नहीं चल रहा था, बट यहां पर ये चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज हुई आपकी। अब इतनी चीज करने के बाद में आपके दो और बटन जो है वो भी तो वर्क करवाना है आपको, वो कैसे होंगे, तो अब चलेंगे ऊपर, इतना तो आप समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद में आपको करना क्या होगा, आपको स्टॉप बटन जो है वो आपका उसको लेना है, ऑन क्लिक लगाना है, फंक्शन बनाना है। इस फंक्शन के अंदर आपको कुछ नहीं करना, क्लियर इंटरवल करके हमें मिलता है, एक सेट इंटरवल होता है जो आपका सेट करवाने के लिए यूज होता है। हम इसमें परफॉर्म करवा सकते हैं फंक्शन का नाम, प्लस हमें यहाँ पे मिली सेकेंड प्लस सेकेंड्स में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपका 10 दिया ना, इट मीन्स कि 10 मिली सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे 1000 दे देता ना तो ये आपका 1 सेकेंड हो जाता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें थोड़ा स्पीड में हमें इस चीज को करना है, दैट्स वाई मैं इसको ले रहा हूँ, मैं 20 कर देता हूँ, थोड़ा और आपको स्लो दिखे। एंड यहाँ पे क्लियर उसको जब हम उसको हिट करते हैं, इट मीन्स कि सेट करवाते हैं किसी इंटरवल को, उसे क्लीन करवाना भी इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं यहाँ पे उसको क्लियर करवा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। पहला सिनारियो ये आपका डन हो गया। इतनी चीज को अगर मैं करूं सेव एंड यहां लेके चलूं, यहां पे आने के बाद में स्टार्ट एंड स्टॉप, एंड यहां पे जैसे ही क्लिक करूंगा मैं आपका, ये आपका वर्किंग है, एंड जैसे ही मैं स्टॉप पे क्लिक करूंगा, इट मींस कि यहां देखेंगे आप, ये आपका स्टॉप हो चुका है। तो हमारे दो यहां पे स्टार्ट एंड स्टॉप बन चुके हैं। अब इसके बाद में आपको करना है रीसेट के लिए, ठीक है। अब रीसेट के लिए आपके पास में क्या था, रीसेट वाले के लिए मैंने यहां पर बनाया था आपका, ये देखिए वेरिएबल। अब इसके अंदर आप सबसे पहले करेंगे क्या, पहले तो ये आपका रीसेट करते क्लियर हो जाए, पहला तो आपका काम बहुत इजी है कि रीसेट करने पे क्लियर हो जाए सब कुछ जीरो, एंड देन इसके बाद में टेंस आपका वहां पे आपका क्या आना चाहिए, जीरो जीरो आना चाहिए। देखिए मैं हाथ से, इट मींस कि स्टैटिक डालूंगा ये चीज, एंड देन इसके बाद में सेकेंड्स भी आपका वहां पे क्या होना चाहिए, जीरो जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है, ये भी काम खत्म। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो टेंस है, टेंस के अंदर आपका यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इनर एचटीएमएल आएगा, इनर एचटीएमएल, और यहाँ पे जो अभी ऊपर डिफाइन करा ना हमने, वही प्रिंट हो जाएगा, जो हम यहां डिफाइन कर रहे हैं वही यहीं पे आ जाएगा, सिंपल वहीं से आप करके वहीं पे आप अपेंड भी करवा रहे हैं, यही काम है आपका, ठीक है। ये देखें तो ये चीज आपने क्या करी कि यहीं पे आपने उन दोनों को बताया स्टैटिक कि जीरो जीरो हो जाए, और वही हमने क्या कर दिया, डायनेमिक अपेंड कर दिया। इतनी चीज को करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट। मैंने यहां पर करा आपका स्टार्ट, अब मैं कर रहा हूं यहां पर स्टॉप, इट मीन्स कि स्टॉप हो गया, ये नंबर है हमारे पास में। अब मैं कर रहा हूं रीसेट, रीसेट करने के बाद में यहां पे ये रीसेट हो गया। अब देखिए वापस मैं करूंगा यहां पे स्टार्ट, ओके, ये हो गया आपका रीस्टार्ट, एंड देन इसके बाद में आप देखेंगे स्टॉप, ये हो गया स्टॉप, एंड देन यहां पे ये रीसेट। वापस देखेंगे आप यहां पे, अगेन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बार बार मैं इसलिए दिखा रहा हूं आपको कि आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे बनाया हमने। ये देखिए आपका स्टॉप, स्टॉप करने के बाद में ये रीसेट, ठीक है। तो ये था आपका आपका स्टॉप वॉच कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर चीजें बनती हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं एचटीएमएल, तो ये एचटीएमएल है आपका, ओके, एंड देन इसके बाद में यहां पे ऊपर से चलेंगे हम
अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है आपका CSS, ये CSS की कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए आपकी, इसलिए मैं आपको पूरी चीज दोबारा दिखा रहा हूं। ये देखिए बॉडी, बॉडी के बाद क्लास, यहाँ पे ये CSS, इसके बाद में ये CSS, ये फाइल्स, ओके। एंड यहाँ JS की बात करें तो JS में सबसे पहले आपके यहाँ पे वेरिएबल्स, ओके, ये फंक्शन, इसके बाद में इंटरवल सेट कराने का, ये क्लियर कराने का, ये रीसेट कराने का, ठीक है, ये फंक्शन, ये इंक्रीमेंट, ये पहली कंडीशन, सेकेंड, देन आपकी थर्ड, एंड यहाँ पे फोर्थ, ओके। हमने इसमें एल्स नहीं बनाया, दैट्स वाई सारे के सारे इफ में वो बार बार जाके देख रहा है। अगर यहाँ पे हम एल्स डिफाइन कर देते तो सारे इफ नहीं चलते हमारे, ओके। तो ये उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको स्टॉप वॉच जावास्क्रिप्ट के अंदर आज बताया गाइस, आपको पसंद आया होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये प्रोजेक्ट। अगर आपका कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।